नमस्कार, विवेक गुप्ता करियर काउंसलर एंड करियर मेंटर बोल रहा हूँ। और ना पिछले खास से पिछले एक दो दिन में ना 3-4 फ़ोन आए, तो मुझे लगा एक वीडियो सा बना दूँ, क्योंकि वही 15-20 मिनट की टॉक में कितना मैं समझा पाऊँगा उन्हें। और ना कुछ बच्चों को ना दो बच्चों को 4 में से ये था कि सर हमें डीम्ड में ही जाना है, और फिलहाल उसका वही जो आपने लास्ट वीडियो सुना हुआ है तमिलनाडु की डीम्ड यूनिवर्सिटी मिली है, और उसके मार्क्स ऐसे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि उसे कोई बाकी स्टेट्स का बहुत टॉप कॉलेज मिल जाएगा, बट शी कैन गेट अ बेटर कॉलेज दैन जो उसको मिल रहा है एट 30 लाख रुपीज़ लेस फी। तो फिर जब मैंने बात की ना, तो ना उसके मन में बैठा हुआ कि मैंने डीम्ड में जाना है। मैं कहा भाई क्यों? कहती जी डीम्ड ना अच्छे होते हैं। मैं कहा कैसे? तो मैंने कहा अच्छा चलो थोड़ा जो मेरा स्टाइल है, मैं कहा आपके हिसाब से सेंट जॉन्स कॉलेज कैसा है? सर बहुत अच्छा है। मैं CMC वेल्लूर कैसा है? बहुत अच्छा है। मैं कहा ये MS रामिया सुना है? ऐसा सुना है। बहुत कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा जी BR अम्बेडकर बेंगलोर? सर बहुत अच्छा है। KJ सुमैया मुंबई? सर बहुत अच्छा है। मैं कहा जो सारे जो बहुत अच्छे कॉलेज हैं आपको पता है, ये तो कोई डीम्ड है नहीं, ये सब तो स्टेट प्राइवेट है, ये तो मिलेगा नहीं सर मुझे। मैं कहा बिल्कुल ठीक, लेकिन आपका मेन आर्ग्यूमेंट क्या था कि मुझे डीम्ड में जाना है, डीम्ड अच्छे होते हैं, तो क्या ये साबित हो गया कि डीम्ड सारे अच्छे नहीं होते हैं? डेफिनेटली अमृता कस्तूरबा आर गुड, बट क्या ये ललिता मंगलाई, भारत, श्री सत्या, चेतीनाथ या अरूपडई, विनायक मिशन, क्या ये भी टॉप क्लास हैं? और क्या हिमालयन जॉली ग्रांट, MGM जयपुर, क्या ये नहीं है? है सर। तो मैं कहा ये तो डीम्ड नहीं है, एक्चुअली ये डीम्ड है। पता है आपको, मैं एक शायद वीडियो पहले बता चुका हूँ, हमको ना बस प्रॉब्लम क्या है कि सुबह शाम सबसे ज़्यादा वीडियोस हम देखते हैं MCC वेब काउंसलिंग के, सबसे ज़्यादा हल्ला मस्ता है MCC काउंसलिंग का। और MCC काउंसलिंग के अंदर ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आती हैं 51, जो इस साल अब 50 हो गई थी। तो हमें लगता है ये ना सबसे बढ़िया, ये सेंट्रल है, ये केंद्र सरकार कर रही है। सिमिलरली ऑल इंडिया कोटा को लेकर लोगों को क्रेज़ रहता है, अरे भाई ये तो 15% सीटें हैं सरकारी, और हिंदुस्तान में अब 330 के ऊपर प्राइवेट कॉलेज है, उसमें 50 सिर्फ ये हैं, तो बाकी जो 280 कॉलेज हैं जिसमें अपोलो हैदराबाद या KPC कैलकटा या कटिहार बिहार में, जामुजी अलावा SRM UP, शारदा UP, जॉली ग्रांट, श्री गुरु राम राय उत्तराखंड, MMU सोलन हिमाचल, DMC लुधियाना, CMC लुधियाना, MGM जयपुर, SGT गुड़गावा, MMU साधोपुर अब आ गया, या मध्य प्रदेश का अरबिंदो इंदौर, इंडेक्स इंदौर, RD गार्डी उज्जैन। मैंने कहा ये सब क्या है जी? नहीं सर ये सब तो अच्छे कॉलेज हैं। मैंने कहा ये सब अच्छे कॉलेज हैं, सच्चाई की बात ये है कि आप मेहनत नहीं करना चाहती MCC के अलावा दूसरा फॉर्म भरने की, और समस्या ये है कि आप 20 लाख फालतू देने को तैयार हो, लेकिन आप एक काउंसलर को 50,000 देने को तैयार नहीं हो, जो आपके बिहाफ पे बाकी 4 फॉर्म भरने को तैयार है, आपके बिहाफ पे बाकी सारी आपकी काउंसलिंग्स मैनेज करने को तैयार है, आपके बिहाफ पे सब देखने को तैयार है, शॉर्टलिस्ट कैसे करनी है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कब को किस स्टेट का कब सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है, नहीं देना है, कौन सी चॉइस करनी है, नहीं करनी है, मतलब वो 50,000 नहीं देने हैं, क्योंकि वो मेहनत नहीं करनी है उस काउंसलर के साथ इंटरेक्ट करने की, अच्छे काउंसलर के साथ। और एक साउथ की तमिलनाडु पौंडेचेरी की पकड़ के छुट्टी कर लेते हैं, मतलब छुट्टी करना आसान है, काम निपटाना, मतलब कॉलेज एवरेज क्वालिटी का, बिलो एवरेज क्वालिटी का मिल जाए, जेब से 20 लाख फालतू चले जाए, वो मंजूर है, लेकिन किसी काउंसलर को 50-70 हज़ार रुपये देना, और उसके साथ भी तो इंटरेक्ट करना पड़ेगा ना 2-4-5-10 बार, वो मेहनत करना मंजूर नहीं है। तो बस यही कारण है कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की सीट्स पहले भर जाती है, और चारों तरफ डीम्ड 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 का हल्ला करता है, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ही अच्छी होती है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, हमसे संपर्क करना चाहे 9643362320, ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, पहली कॉल करने के 2500 रुपये, दिल्ली के आसपास रहते हैं मीटिंग करने के 5000 रुपये। मैं दिल्ली के आसपास पानीपत, रोहतक, अलीगढ़, बरेली में हमारी ब्रांचेस हैं, जहाँ मैं हफ्ते में एक दिन जाता हूँ रोटेशन से, तो अगले दो हफ्तों में शायद मैं एक सैटरडे पानीपत और एक सैटरडे रोहतक जाऊँगा। उसके हिसाब से आप में से कोई मिलना भी आना चाहे तो उस सिटी की अपॉइंटमेंट ले सकता है। आपका दिन शुभ हो, बाय बाय, टेक केयर।